जोगिया विकास खंड के ग्राम पंचायत करौंदा मशरा में लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी जयंती मनाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल रहे। सांसद ने सर्वप्रथम गांधी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान प्रभु दयाल द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण से किया गया। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि किसानों के हित में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जय जवान और जय किसान का नारा दिया और कहा कि किसान खेत में और जवान सीमा की रखवाली करता है। इसी प्रकार गांधी ने देश को आजाद कराने में मदद किया और स्वदेशी का नारा दिया। प्रधान ने बताया कि आज पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से हमारे ग्राम पंचायत में 9 सूत्रीय कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। गरीबी मुक्त गांव, स्वास्थ्य गांव, बाल हितैषी गांव, पर्याप्त जल युक्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर एवं बुनियादी ढांचा युक्त गांव, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, महिला हितैषी गांव। ग्राम प्रधान प्रभु दयाल यादव ने बताया कि पीरामल फाउंडेशन और ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह के सहयोग से इस वर्ष 3 योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा, जिसमें स्वस्थ गांव, बल हितैषी गांव और महिला हितैषी गांव का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। सांसद ने गांव के 38 वृद्ध जनों का अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया। ब्लॉक सभागार में ध्वजारोहण के बाद हवा गोष्ठी जोगिया ब्लॉक परिसर में प्रमुख सावित्री देवी और खंड विकास अधिकारी राजकुमार ने ध्वजारोहण कर शहीद पट पर पुष्प अर्पित किया और शास्त्री और गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये देश के अमूल्य धरोहर है। मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी परमात्मा यादव, सुभाष मणिराम, मोतीलाल अंकुश, अनिल मिश्र, गौरव त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी, राजेंद्र चौबे, डीसी पांडे और तारकेश्वर मौजूद रहे। महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोगिया में प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार द्विवेदी और पंकज ने ध्वजारोहण कर शास्त्री और गांधी के चरित्र पर प्रकाश डाला। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती और जय जवान जय किसान के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जहां स्वच्छता अभियान दिवस के रूप में आज के दिन को आयोजित किया, 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक 28 करोड़ लोग पूरे देश के स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं, जिससे आज प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। तब लोगों के इस देश में जहां लोग समझते थे कि गंदगी हमारा दायित्व तो नहीं है साफ करना, आज लोगों के स्वभाव में भी स्वच्छता आ रही है, संस्कार में भी स्वच्छता आ रही है। जहां 60% से अधिक महिलाएं 10 साल पहले लोग खुले शौच में जाने के लिए मजबूर होती थी, आज उन महिलाओं को शौचालय मिला और हर घर में ODF से मुक्त हुआ, खुले शौच से मुक्ति हुई। 60 से 70 हज़ार बच्चे जहाँ इस गंदगी से हर साल मौत के मुंह में चले जाते थे, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि आज उनका भारत में इस स्वच्छता अभियान के मोदी से लोगों के जीवन में एक नई रोशनी आई है और बच्चों की ज़िंदगी बचती है। तो आज उस स्वच्छता अभियान दिवस पे जहाँ आपने देखा कि जो स्वच्छता ग्रही थे या जिन्होंने अच्छे गांव अपने गांव सभाओं में स्वच्छता अभियान चलाया है, अभी अम्बेडकर भवन सिद्धार्थनगर में हमने मुख्य विकास अधिकारी ने उनको अभिनंदन किया, उनको समारोह किया, प्रमाण पत्र दिया। और इसी तरीके से आपने मसीना गांव में देखा कि पंचायत राज विभाग के द्वारा और पीरामल फाउंडेशन साथ मिल करके उस गाँव को 10 विकास के पॉइंटर पर आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, जिसमें ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा है महिलाओं और बच्चों के भविष्य के लिए। और आज जगह जगह हम लोग स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। जोगिया के ब्रह्मस्थान पे अभी हम लोगों ने झाड़ू लगाया, मुख्य विकास के हमारे स्वच्छता अभियान के प्रधान आए थे उनके साथ हमने शहर मुख्यालय लगाया। तो आज ये पूरी दुनिया को संदेश जा रहा है कि आज दुनिया भारत को विकसित बनाने के लिए स्वच्छता उसके स्वभाव में आ गया, संस्कार में आ गया है और प्रधानमंत्री के 2047 के उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और देश की 10वीं इकोनॉमी से अब 5वीं अर्थव्यवस्था में हुए हैं और 2027 तक भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3री